सुन्नी उलेमा बोर्ड रजाए गौशुल आजम गिरिडीह के द्वारा रविवार को इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता का अहतमाम नाइस पब्लिक स्कूल बोर्डो में किया गया। प्रतियोगिता 10 बजे सुबह शुरू हुई जो दोपहर 12 बजे तक चली। 2 घंटे की इस प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 675 बच्चियों ने भाग लिया, जिसमें फर्स्ट आने वाले बच्चों को 5100 रुपए नकद एवं धार्मिक किताब दिया जाएगा। वहीं सेकंड आने वाले को 3100 रुपए और एक दीवार घड़ी दी जाएगी। वहीं थर्ड आने वाले को 2100 रुपए और एक कलाई घड़ी इनाम में दी जाएगी। प्रतियोगिता का रिजल्ट 27 नवंबर को सिमरिया धौड़ा पंचायत भवन ग्राउंड के समारोह में बताया जाएगा। साथ ही उसी दिन 10 बजे से औरतों के लिए जिला स्तरीय जलसा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता सुन्नी उलेमा बोर्ड बनाम रजाए गौशुल आजम करा रही है। कहा गया कि कमेटी द्वारा लगातार 3 वर्षों से इस तरह की प्रतियोगिता कराई जा रही है ताकि बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके। मौके पर मौलाना अब्दुल रहमान फैजी, मौलाना अब्दुल रऊफ हाजी अधिवक्ता मिर्जा मुमताज, मौलाना गुलाम सरवर, मौलाना मुराब हुसैन, मौलाना मुबारक हुसैन, मौलाना बशीर, मौलाना शाह आलम, मुफ्ती नूरुल हुदा, मुफ्ती अब्दुल कुद्दस, मौलाना जमाल, मौलाना नजरुल कादरी, मौलाना एजाज, कारी जुनेद जामी, मौलाना तैयब समेत तकरीबन 55 उल्लम इकराम शामिल थे। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सारे इंसान शक पसंद नहीं, चंद हैं जो फसाद करते हैं। हमें तलवार की ज़रूरत क्या, हम कलम से जिहाद करते हैं। यही मकसद है हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड का कि हम अपने कौम के बच्चों के हाथों में तलवार की ताकत ना दें, बम बारूद की ताकत ना दें, बल्कि कलम की ताकत दें, जिससे हमारा देश भी तरक्की करे, हमारा समाज भी तरक्की करे। आज ये सुन के खुशी होगी कि तकरीबन पौने सात सौ बच्चों ने आज जीके कंपटीशन गौशुल आजम इस्लामिक क्यूज में शिरकत किए, और इसका रिज़ल्ट 27 नवंबर बरोज इतवार 2022 सिमरिया धौड़ा पंचायत भवन बरवाडी परातडी अंतर्गत में वो जगह है, उस जगह इसका इनाम तकसीम किया जाएगा। और उसी दिन एक शानदार औरतों का ज़िला लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग अपनी औरतों को, बेटियों को, माओ और बहनों को 27 नवंबर को परातडी पंचायत भवन सिमरिया धौड़ा के पास भेजें और जलसे को कामयाब बनाएं। कि जितने तलबा, जितने बच्चे, जितने एग्जामनी आज यहाँ शिरकत किए हैं, और इन लोगों ने जो तालीम क्विज के लिए किया है तैयारी, वो इसका कम से कम 20 गुना आप जोड़ लीजिए, उतने लोगों को ये जानकारी बंटेगी। तो ये बहुत बड़ा काम हमारे उलमा बोर्ड, सुन्नी उलमा बोर्ड ने किया है, और मैं इस्तकबाल करते हुए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त परेशानियों का बीड़ा उठाया है। दूसरी बात यह है कि आज जो एग्ज़ाम ले रहे हैं हम लोग, इनका रिजल्ट 27 ग्यारह 2022 को सुनाया जाएगा, और बामुकाम सिमरिया धौड़ा बरवाडी वहाँ पर पंचायत भवन है, उसमें जो कैंपस है उन्हीं में, और सारे लोगों को रिजल्ट देखने के बाद अव्वल दोम सोम लोगों को इनाम दिया जाएगा। उसके अलावे करीब करीब सभी बच्चों को हम लोगों ने ये तय किया है कि कुछ ना कुछ दे करके इनाम उनकी हिम्मत अफजाई के लिए वहां से हम लोग भेजेंगे। The admissions forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV's office counter for classes nursery to standard 9 from 15th of November 2022. So hurry up. Ultra modern hostel facilities are available for boys for class 4 to 12. Our address: BNSDAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है।
पूरे विश्वास के साथ पधारें। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह।